नवा स्टार्टअप शुरू थई रह्या छे, परंतु इन्वेस्टरोनो अभाव क्यांक ने क्यांक अवरोध साबित थतो होय छे। परंतु हवे एक एवुं प्लेटफॉर्म सूरतमां लॉन्च थयुं छे के जेना थकी लोकल स्टार्टअपनी पहोंच वैश्विक इन्वेस्टरो सुधी थई शकशे, एटले के वैश्विक रोकाणकारोने आकर्षी लोकल स्टार्टअपने आगळ वधारी शकाशे। आ महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म टाई इंडिया एंजल द्वारा पूरू पाडवामां आवी रह्युं छे। आज रोज टाई सूरत द्वारा अवध उटोपिया खाते टाई इंडिया एंजलनू सूरत चेप्टर शुरू करवामां आव्युं हतुं। आ अंगे टाई सूरतना प्रेसिडेंट कश्यप पंड्याए जणाव्युं हतुं के टाई इंडिया ए एक नॉन प्रोफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन छे, जे मेंटरिंग, नेटवर्किंग, एज्युकेशन, फंडिंग अने इन्क्यूबेशन जेवा प्रोग्रामो द्वारा स्टार्टअपने आगळ जवा माटे मददरूप थाय छे। टाई इंडिया एंजल सूरतना चेप्टर लीड पुनीत मित्तले जणाव्युं हतुं के सूरतना स्टार्टअपने पण वैश्विक रोकाणકારોનો અને ટાઈ ઇન્ડિયા એન્જલ સાથે જોડાયેલા ચાર્ટર સભ્યોનો લાભ મળે તે માટે ટાઈ સુરત દ્વારા આજરોજ ટાઈ ઇન્ડિયાનું પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। ટાઈ ઇન્ડિયા એન્જલનું સુરત ખાતે પ્લેટફોર્મ શરૂ થતા હવે લોકલ સ્ટાર્ટઅપને વૈશ્વિક રોકાણકારો સાથે જ ટાઈ ઇન્ડિયા એન્જલ સાથે જોડાયેલા વિવિધ 24 ચેપ્ટરના સદસ્યો સામે રજૂ કરી શકાશે, જેનાથી લોકલ સ્ટાર્ટઅપને વૈશ્વિક રોકાણકારોનો સાથ મળવાથી સ્ટાર્ટઅપને આગળ વધારવાની સાથે જ લોકલ ઇકોનોમીને પણ વેગ આપી શકાશે। મેરા નામ ગૌરવ ચુનેજા હૈ। हम यहाँ पे यूटोपिया में आज इवेंट कर रहे हैं टाई इंडिया एंजल्स का। टाई इंडिया एंजल्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब स्टार्टअप्स आ सकते हैं सूरत में, जिनको हम फंडिंग दिलवा सकते हैं और उनको हम ग्लोबल लेवल तक स्केल कर सकते हैं। तो टाई इंडिया एंजल्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसका सूरत का आज एक चैप्टर लॉन्च करा है हमने, जो कि है टाई इंडिया एंजल्स के नाम से। टाई इंडिया एंजल्स बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग से लेके, मेंटरशिप से लेके, इंक्यूबेशन से लेके हेल्प करेगा उनको फंडिंग में प्लस मेंटरशिप में, जिसकी वजह से स्टार्टअप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा, वो नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग ले पाएगा, या फिर उसको अगर ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए तो उसको हेल्प कर पाएंगे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टार्टअप को बहुत ही बढ़ावा दिया हुआ है, वैसे ही टाई का जो ये एंजल का नेटवर्क है जिसको TIA बोलते हैं, टाई इंडिया एंजल्स नेटवर्क, तो वो भी इसी सिमिलर लाइंस पे ही स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है और हम इसी को प्रमोट करने के लिए सूरत में इसको लॉन्च कर रहे हैं। सूरत में जो लोग हैं वो अगर धीरे धीरे करके स्टार्टअप इंडस्ट्री में चाहे इन्वेस्ट, चाहे वो खुद एक फाउंडर बन के स्टार्टअप अगर इकोसिस्टम में आना चाहते हैं तो टाई उसमें उनको हेल्प करेगा, चाहे वो फंड रेज होगा, चाहे वो मेंटरशिप होगी, चाहे वो उनको स्केल अप करना होगा, उनको स्केल अप में जो दिक्कतें आती हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हम साथ में बैठ के बात कर सकते हैं, इस ये पूरे इकोसिस्टम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस चीज़ के लिए हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। पुनीत मित्तल, ये आज का जो प्रोग्राम था टाई का इवेंट है, टाई सूरत की एक बॉडी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प कर रही है स्टार्टअप्स को, मेंटर कर रही है, हैंड होल्ड करती है, उनको इन्वेस्टिंग में हेल्प करती है। तो आज का जो इवेंट था उनका एक टाई का ही एक आर्म है, TIA, टाई इंडिया एंजल्स। तो ये बॉडी इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएगी और जो सूरत के स्टार्टअप्स है उनको हम लोग क्यूरेट करेंगे और उनको अगर अच्छा लगेगा तो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक पूरा एक नॉलेज सेशन जैसा था जिसमें सारे इन्वेस्टर्स आए हैं और कैसे हम लोग इस प्रोसेस को है ना प्रॉपर स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर एक इवेंट हमने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, LK स्टार न्यूज, सूरत।